लड़ाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप मलिक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मलिक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। न्यूज स्पॉन्सर बाय रियलमी स्मार्ट स्टोर भंडारा शहर में आप सबके लिए लेकर आया है रियलमी के एक्साइटिंग प्रोडक्ट, वो भी किफायती दामों में। रियलमी टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, टैबलेट और सभी एसेसरीज के प्रोडक्ट सिर्फ आपके नजदीकी रियलमी स्मार्ट स्टोर में। तुरस्कर कॉम्प्लेक्स, राजीव गांधी चौक, भंडारा। ईडी द्वारा महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किए जाने से राजनीतिक हड़कंप मच गया है। एनसीपी नेता मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में भंडारा में गुरुवार 24 फरवरी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव धनंजय दलाल के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। उस वक्त राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप मलिक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मलिक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ ही जिलाधिकारी के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो रही कार्यवाही के खिलाफ निवेदन दिया गया। राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते, आमचे मंत्री आणि आमच्या पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक साहेब यांनाजी ईडीने पहाटे 4:30 घरी जाऊन अटक केली, त्याच्या निषेधार्थ आणि केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ आम्ही आज हे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलेले आहे। आणि ईडीचा जो हस्तक्षेप वारंवार या राजकारणामध्ये सुरू आहे, केंद्र सरकारच्या आशीर्वादाने, केंद्र सरकारच्या निर्देशामुळे जे महाविकास आघाडीचं सरकार आहे त्याच्या जे नेते आहेत त्यांना त्रास देण्याचं काम हे केंद्र सरकार करते, त्याचा आम्ही सर्व निषेध करतो। केंद्र सरकारचं ठरलेलंच आहे की महाविकास आघाडीचे जे जे काही नेते आहेत किंवा महाविकास आघाडीच्या तर्फे जे काही बोलत आहेत केंद्र सरकारच्या मोदी सरकारच्या विरुद्ध, त्यांना टार्गेट करून त्यांना उचलायचंच काम आता ठेवलेलं आहे की आता याच्यानंतर कोणी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात बोलू नये ही केंद्र सरकारची भूमिका आहे। त्या पद्धतीने जे भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात किंवा मोदी सरकारच्या विरोधात बोलले त्यांना त्रास देण्याचं काम आता या मोदी सरकारने ठरवलेलं आहे। आपके अपने चैनल जीएस क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले।